जो पिए सीमा होके बवाल। दिन रात पढ़ना है मजा वो धमाल। काम कर ले थसरे टेंशन, अरे काम कर ले थसरे टेंशन, जब अफसर बन के ते घर पे धमाल। ये कैसे होगा सर? MCQ सीरीज में जिसमें हम क्या करा रहे हैं, MCQ के माध्यम से आपके संपूर्ण CGPSC पाठ्यक्रम की तैयारी करा रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हम क्या कराए थे, आपको गोदावरी अपवाह तंत्र के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध करवाए थे और उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर भी हमने किया था। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वह है सोनगंगा ब्राह्मणी एवं नर्मदा अपवाह तंत्र। पिछले दो वीडियो में आपने देखा था कि हमने महानदी पर और गोदावरी इंद्रावती पर क्या किया था, एक सेपरेट वीडियो बनाया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम अपना जो अपवाह तंत्र है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत उसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे। उसके संदर्भ में आज देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको। पहले क्वेश्चन, हिरण्यबाहु संस्कृत साहित्य में किस नदी का नाम है? क्या कहा जा रहा है, हिरण्यबाहु संस्कृत साहित्य में किस नदी का नाम है, यह आपको पूछा जा रहा है। रिहंद का नाम है कि कन्हार का नाम है कि गंगा का नाम है कि सोन का नाम है, ठीक है। तो जो हिरण्यबाहु है ये संस्कृत साहित्य के अंतर्गत सोन नदी को कहा गया है। किसे कहा गया है, सोन नदी को कहा गया है। हिरण्यबाहु किसे कहा गया है, तो सोन नदी को कहा गया है। इससे पहले आप मुझे बताइए कि जो सोनगंगा अपवाह तंत्र है वह छत्तीसगढ़ के कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है और साथ ही छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत हिस्सा ये कवर करता है, ये आप मुझे जल्दी कमेंट बॉक्स पे बताइए। साथ ही छत्तीसगढ़ के जितने भी पांचों अपवाह तंत्र हैं जिसको मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, उसको आप क्या कीजिए, कमेंट सेक्शन में उन सभी के क्षेत्रफल और प्रतिशत को बताइए। तुरंत जल्दी आप कमेंट में टाइप कीजिए। जब तक हम चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है आपको सोन नदी के संबंध में कथनों पर विचार करें। किनके संबंध में, तो सोन नदी के संबंध में कथनों पर विचार करें। पहला क्या बोल रहा है, सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी के पूर्व से हुआ है। दूसरा बोल रहा है, सोन नदी छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए सोन गंगा अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। तीसरा बोल रहा है, सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी के पश्चिम से हुआ है। और चौथा बोल रहा है, उत्तर प्रदेश में सोन नदी गंगा नदी से मिल जाती है। क्या बोल रहा है, उत्तर प्रदेश में जो सोन नदी है वो क्या होता है, गंगा नदी से मिल जाता है, ऐसा क्या है कथन है, है ना, क्लियर है। ऑप्शन आपको क्या क्या दिए गए हैं, तो ऑप्शन यहां पर दिया है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ये अपने को क्या करना है, छांटना है असत्य कथन कौन सा है। एक और चार असत्य है कि तीन और चार असत्य है, दो तीन चार असत्य है कि एक दो तीन असत्य है, जल्दी से आप अपना आंसर दीजिए। चलिए चर्चा करते हैं। पहला क्या बोल रहा है, सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी के पूर्व से हुआ है, ठीक। यह कथन क्या है, बिल्कुल सही है, जो सोन नदी है उसका उद्गम कहां से हुआ है, तो अमरकंटक पहाड़ी के पूर्व से हुआ है। दूसरा बोल रहा है, सोन नदी छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए सोन गंगा अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। तो जो सोन नदी है वो छत्तीसगढ़ में प्रवाहित नहीं होती है, छत्तीसगढ़ से उसकी सहायक नदियां क्या है, आती है, और सहायक नदियां उससे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जाकर क्या होती है, मिल जाती है। इस तरह जो उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र है वो क्या है, छत्तीसगढ़ में है। लेकिन जो सोन नदी है वो प्रत्यक्ष रूप से क्या नहीं होती, छत्तीसगढ़ में आकर प्रवाहित नहीं होती, इसलिए दूसरा कथन क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। तीसरा क्या बोल रहा है, सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी के पश्चिम से हुआ है, यह कथन गलत है क्योंकि हमने क्या देखा कि सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी के पूर्व से हो रहा है, तो दो और तीन क्या हो गया, गलत। चौथा ऑप्शन देखते हैं,
उत्तर प्रदेश में सोन नदी गंगा नदी से मिल जाती है, बोल रहा है। तो उत्तर प्रदेश में मिलता है क्या? नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं मिलता। जो सोन नदी है वो गंगा नदी से बिहार में मिलता है। कहां मिलता है? बिहार पटना में। तो कौन कौन से आपके जो कथन है वो गलत है? तो 2, 3 और 4 गलत है। और हमको क्या छांटना है? असत्य कथन छांटना है। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? 2, 3, 4 मतलब सी क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? कैसा लग रहा है क्वेश्चन का लेवल आप लोग को? लग रहा है पीएससी में आने जैसा क्वेश्चन? ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सोन की सहायक रिहंद नदी के संबंध में कथनों पर विचार करें। किसके संबंध में? तो सोन की सहायक क्या है? रिहंद नदी। इससे क्या पता चल जा रहा है कि रिहंद क्या है? सोन की सहायक नदी है। उसके संबंध में हमको क्या करना है? कथनों पर विचार करना है। पहला क्या बोल रहा है? यह सोन गंगा अपवाह तंत्र की छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है। दूसरा बोल रहा है इसे रेणुका, रेंड, रेहर जैसे नामों से भी जाना जाता है। तीसरा कह रहा है छत्तीसगढ़ के उत्तरी सीमा पर यह नदी बेसिन का निर्माण करती है। और चौथा बोल रहा है इस नदी के तट पर सूरजपुर में पुरातात्विक स्थल महेशपुर है। निम्न में से कौन सा जो कथन है वो सत्य है, ये आपको जानना है। चलो जल्दी से अपना आंसर लगाए। लगा लिया आप आंसर? बढ़िया। चले हम एक बार आप सोन गंगा अपवाह तंत्र का जो पूरा फ्लो चार्ट है, जैसा कि हमने अभी गोदावरी में देखा था और किसमें देखा था? महानदी अपवाह तंत्र में देखा था, वैसा एक छोटा सा फ्लो चार्ट, उतना बड़ा तो नहीं लेकिन एक छोटा सा फ्लो चार्ट क्या कर लेते हैं हम सोन गंगा अपवाह तंत्र के लिए भी तैयार कर लेते हैं। ठीक है, सोन गंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत आप ध्यान दीजिएगा कि एक पहाड़ी है। ठीक, क्या है? एक पहाड़ी है जिसका नाम है अमरकंटक की पहाड़ी। क्या है? अमरकंटक पहाड़ी। कहां पर है अमरकंटक पहाड़ी? तो अमरकंटक पहाड़ी है मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। और इस अमरकंटक पहाड़ी के पूर्व से, ठीक है, किस दिशा से? तो पूर्व दिशा से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सोन नदी। ठीक, क्या नाम है? सोन नदी नाम है। उत्तर दिशा से कौन सी, सॉरी पूर्व दिशा से कौन सी एक नदी निकल रही है? तो सोन नदी निकल रही है। और सोन नदी जो है ये अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकल रहा है, मतलब सबसे पहले किस राज्य में प्रवाहित हो रहा है? तो मध्य प्रदेश में ही प्रवाहित हो रहा है। जब मध्य प्रदेश में प्रवाहित होते रहता है तब छत्तीसगढ़ से कुछ नदियां आकर क्या होती है, जो सोन नदी है उसमें मिलती है। ठीक, अब इसमें कौन कौन सी जो नदियां हैं छत्तीसगढ़ से, जो छत्तीसगढ़ से निकलकर मध्य प्रदेश में जाकर क्या हो रही है, सोन नदी से मिल रही है, इसके बारे में हम क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। ठीक, पहला एक पहाड़ी है मांझटोली की पहाड़ी। मांझटोली की पहाड़ी, मांझटोली की पहाड़ी, इस मांझटोली की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी। और ये जो बनास नदी है मांझटोली की पहाड़ी से निकलने के उपरांत मध्य प्रदेश में क्या हो जाता है, जाकर सोन नदी से मिल जाता है। समझ में आ गया? मध्य प्रदेश में जाकर क्या होता है, ये सोन नदी से मिल जाता है। इसके उपरांत छत्तीसगढ़ के अंतर्गत एक पठार है जिसका नाम है सोनहट का पठार। सोनहट पठार, इस सोनहट पठार से भी एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोपद नदी। कौन सी नदी? गोपद नदी। और यह जो गोपद नदी है यह भी क्या होती है, मध्य प्रदेश में जाकर सोन नदी से मिल जाती है। इसके उपरांत यह जो सोन नदी है यह आता है उत्तर प्रदेश। कहां पहुंच रहा है यह? उत्तर प्रदेश पहुंच रहा है। और जब यह उत्तर प्रदेश पहुंचता है तो उत्तर प्रदेश जब ये पहुंचता है तो छत्तीसगढ़ की एक और नदी जिसका नाम है रिहंद नदी। कौन सी नदी? रिहंद नदी क्या होती है? छत्तीसगढ़ के अंतर्गत मतिरिंगा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? मतिरिंगा पहाड़ी। मतिरिंगा पहाड़ी से निकलकर ये जो रिहंद नदी है कहां कहां प्रवाहित होता है? मतिरिंगा पहाड़ी सरगुजा से निकलकर, बताइए जल्दी।
ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि मतरिंगा पहाड़ी से निकलने के उपरांत जो रिहंद नदी है उसका प्रवाह क्षेत्र क्या क्या है। एक हमने देखा था सरगुजा, सरगुजा के बाद क्या देखा था हमने सूरजपुर, सूरजपुर के बाद फिर कहां गया था नदी बलरामपुर, और बलरामपुर से फिर कहां चले जाता है ये उत्तर प्रदेश चले जाता है, पढ़ा था हमने। इसके उपरांत उत्तर प्रदेश में ही छत्तीसगढ़ की एक और नदी जाकर सोन नदी से मिलती है और इस नदी का नाम है कन्हार नदी। कौन सी नदी? कन्हार नदी। कन्हार नदी कहां से निकलता है? तो कन्हार नदी बखौना चोटी, जसपुर से निकलता है। बखौना चोटी जसपुर से कन्हार नदी निकलती है और उत्तर प्रदेश में जाकर क्या हो जाता है, ये जो कन्हार नदी है ये सोन नदी से मिल जाता है। इसके उपरांत हमको पता है कि उत्तराखंड के गंगोत्री के गौमुख हिमानी से कौन सी एक नदी निकल रही है, तो वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है क्या, गंगा नदी, है ना। कौन सी नदी? गंगा नदी। ये जो गंगा नदी है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, बिहार के अंतर्गत एक जगह है जिसका नाम है पटना, ठीक है। क्या नाम है? पटना। इस पटना नामक स्थान पर पहुंचती है गंगा नदी, और जब गंगा नदी पटना पर पहुंचती है तो ये जो सोन नदी है ये क्या होती है, पटना में आकर किससे मिल जाती है, गंगा नदी से मिल जाती है। इस तरह सोन किसकी सहायक नदी हो गई, गंगा नदी की सहायक नदी हो गई। इसके अलावा सोन की सहायक नदियां कौन कौन सी है छत्तीसगढ़ से, तो बनास नदी, गोपद नदी, रिहंद नदी और कन्हार नदी। समझ में आ गया। फिर ये जो गंगा नदी है आगे हमको पता है कि क्या होता है, बिहार से झारखंड, वेस्ट बंगाल होते हुए कहां चले जाता है ये नदी, बे ऑफ बंगाल में जाकर विसर्जित हो जाता है। बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाता है, यह विसर्जित हो जाता है। समझ में आ गया। तो मुख्य रूप से इन चार नदियों के नाम आपको याद रखने हैं किसके लिए, छत्तीसगढ़ में सोन गंगा अपवाह तंत्र के लिए। जो बनास नदी कहां से निकल रहा है, मांझटोली पहाड़ी से, और मध्य प्रदेश में जाकर क्या हो जा रहा है, ये सोन नदी से मिल जा रहा है। दूसरा आप क्या देख रहे हैं कि जो गोपद नदी है सोनहत पठार से निकलती है और मध्य प्रदेश में जाकर ये भी क्या हो जाती है, तो ये भी मध्य प्रदेश में जाकर सोन नदी से मिल जाती है। फिर हमने पढ़ा मतरिंगा पहाड़ी, तो मतरिंगा पहाड़ी से कौन सी नदी निकल रही है, रिहंद नदी, और यह रिहंद नदी उत्तर प्रदेश में जाकर क्या होती है, जो सोन नदी से मिल जाती है। इसके उपरांत कौन सी एक नदी, तो कन्हार नदी, और कन्हार नदी जो है ये कहां से निकल रहा है, बखौना चोटी जसपुर से, और उत्तर प्रदेश में जाकर यह भी सोन नदी से मिल जाती है। फिर फाइनली जो सोन नदी है वो कहां पर, तो पटना बिहार, जो कि पटना क्या है, आज वर्तमान बिहार की राजधानी है, वहां पर जाकर क्या हो जाता है, गंगा नदी से मिल जाता है और सोन गंगा अपवाह तंत्र का निर्माण करता है, ठीक। फिर गंगा नदी का विसर्जन कहां पर हो रहा है, तो बे ऑफ बंगाल में हो रहा है। समझ में आ गया। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, सोन की सहायक रिहंद नदी के संबंध में कथनों पर विचार करना है। पहला बोल रहा है यह सोन गंगा अपवाह तंत्र की छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है, ठीक। तो बिल्कुल सही है, यह जो रिहंद नदी है यह 145 किलोमीटर लंबी है, ठीक। कितने किलोमीटर लंबी है, 145 किलोमीटर लंबी है, और ये जो चार नदियां अभी आपने देखा उसमें सर्वाधिक लंबी कौन सी नदी है, तो रिहंद नदी है। तो ये क्या हो गया, कथन बिल्कुल सही हो गया कि जो रिहंद नदी है वो सोन गंगा उपवाह तंत्र में छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है। दूसरा बोल रहा है इसे रेणुका, रेंड और रेहर जैसे नामों से जाना जाता है, यह भी सही है। तीसरा बोल रहा है छत्तीसगढ़ के उत्तरी सीमा में यह नदी बेसिन का निर्माण करती है। बिल्कुल हमने पढ़ा है कि जो रिहंद नदी है वो रिहंद बेसिन का निर्माण करती है। कहां पर निर्माण करती है, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप कि जो रिहंद नदी है वो कहां पर रिहंद बेसिन का निर्माण करती है। फिर क्या बोल रहे हैं, इस नदी के तट पर सूरजपुर में पुरातात्विक स्थल महेशपुर है। तो इस नदी के तट पर सूरजपुर में नहीं है, ये जो पुरातात्विक स्थल है ये कहां पर है, तो ये है सरगुजा में। कहां पर है, सरगुजा में है, ठीक। महेशपुर कहां पर है, तो सरगुजा में है। तो कौन सा, क्या जानना है अपने को, निम्न में से कौन सा जो कथन है वह सत्य है। तो एक दो और तीन क्या है आपका, सत्य है। एक दो तीन कहां पर दिख रहा है, तो डी में दिख रहा है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। समझ में आ गया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
सोन गंगा अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है आपको, सोन गंगा अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? सरगुजा नहीं है कि सूरजपुर नहीं है कि कोरबा नहीं है, कोरिया नहीं है। तो इसमें छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो हमने उत्तरी जिले पढ़े थे ना, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, ये जो जिले हैं क्या हैं? सोनगंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं। ये जो आपका कोरबा जिला है ये सोनगंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत नहीं आता। समझ में आ गया? ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बनास नदी के संबंध में कथनों पर विचार करें बोल रहे हैं। कौन से नदी के संबंध में? तो बनास नदी के संबंध में। पहला क्या बोल रहा है? देवगढ़ पहाड़ी के पश्चिम से बनास नदी का उद्गम है। दूसरा बोल रहा है बनास नदी मध्य प्रदेश में गंगा नदी से मिल जाती है। तीसरा बोल रहा है मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। और चौथा बोल रहा है बनास नदी का उद्गम मांझटोली पहाड़ी से है। अब क्या छांटने बोल रहा है? कौन सा जो कथन है वह सत्य नहीं है। मतलब हमको क्या छांटना है? असत्य कथन छांटना है। क्या छांटना है हमको? असत्य कथन छांटना है। जल्दी से आंसर दीजिए, कितना आप सोच पा रहे हैं इसके बारे में, जल्दी दीजिए आंसर आप। चलो चर्चा करते हैं। पहला क्या बोल रहा है? देवगढ़ पहाड़ी के पश्चिम में बनास नदी का उद्गम है। और चौथा पॉइंट बोल रहा है आपको कि मांझटोली पहाड़ी से क्या है? बनास नदी का उद्गम है ना। तो ध्यान देना, अभी जस्ट हमने पढ़ा कि जो बनास नदी है उसका उद्गम कहां से हो रहा था? मांझटोली की पहाड़ी से। कहां से हो रहा था? मांझटोली की पहाड़ी से। और ये जो मांझटोली की पहाड़ी है ये कहां पर है? तो देवगढ़ पहाड़ी के पश्चिम पर है। तो दोनों कथन क्या हो जा रहे हैं? एक साथ सही हो जा रहे हैं कि हाँ, मांझटोली के पहाड़ी से ही क्या हो रहा है? बनास नदी का उद्गम हो रहा है। लेकिन जो मांझटोली की पहाड़ी है वो कहां पर है? तो वो देवगढ़ पहाड़ी के पश्चिम में है। समझ में आ गया? कहां पर है? तो देवगढ़ पहाड़ी के पश्चिम में है। क्लियर? अगला क्या बोल रहा है? बनास नदी जो है वो मध्य प्रदेश में गंगा नदी से मिल जाती है। अभी जस्ट हमने देखा कि जो बनास नदी है वो कहां पर? मध्य प्रदेश में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। तो पहला कथन भी क्या हो गया आपका? सही हो गया। दूसरा कथन भी सही हो गया। और चौथा कथन भी क्या हो गया? सही हो गया। तीसरे कथन पर विचार कर लेते हैं। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। तो यह कथन गलत है। जो बनास नदी है वह मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्माण नहीं करती है। समझ में आ गया? क्या नहीं करती है? प्राकृतिक सीमा का निर्माण नहीं करती। जो तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जा रहा है आपका? गलत हो जा रहा है। कहां पर दिख रहा है आपको तीसरा ऑप्शन? तो सी में दिख रहा है, केवल तीन। तो सी क्या हो जाएगा इसमें आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? निम्न में से कौन सी बनास की सहायक नहीं है? ठीक है, निम्न में से जो भी नदियां हैं उनमें से बनास की सहायक नदी कौन सी नहीं है यह आपको बताना है। जल्दी बताइए, निम्न में से कौन सी नदी बनास की सहायक नहीं है बोल रहा है? तो गोहिरादी, रंपा, कोटमार, इसके अलावा उदारी, ये सब क्या है? बनास की सहायक नदी। ये जो आप सेहरा देख रहे हैं ये सेहरा जो है ये गोपद की सहायक नदी है। किसकी सहायक नहीं है नदी है? तो गोपद की सहायक नदी है। गोपद की सहायक नदी है, ठीक है। क्या है ये? गोपद की सहायक नदी है। समझ में आ गया? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेहरा। बाकी गोहरादी, उदारी, रंपा, कोटमार, ये सब क्या है? तो ये सब बनास की सहायक नदियां हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। कन्हार नदी के विषय में कौन सा कथन असत्य है? सीधा पूछ लिया आपको, क्या कौन सा कथन असत्य है? तो जो कन्हार नदी है ना, ये कन्हार नदी का क्या बोल रहा है? नदी का उद्गम बखौना चोटी से हुआ है। दूसरा बोल रहा है यह नदी झारखंड एवं छत्तीसगढ़ के मध्य सीमा बनाती है। तीसरा बोल रहा है सूर्या, कुर्सा, चेर्रा इसकी सहायक नदी है। और चौथा बोल रहा है इस नदी पर पवई जलप्रपात है। तो कन्हार नदी के बारे में हमको क्या जानना है? कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन छांटना है। तो जो कन्हार नदी है इस नदी का उद्गम बखौना चोटी से है, यह कथन बिल्कुल सही है। जसपुर के अंतर्गत बखौना चोटी से क्या है? कन्हार नदी का उद्गम है। दूसरा क्या बोल रहा है? यह नदी झारखंड एवं छत्तीसगढ़ के मध्य सीमा बनाती है। तो झारखंड एवं छत्तीसगढ़ के मध्य यह नदी सीमा बनाती है।
सूर्या, कुर्सा, चेरना इसकी सहायक नदी है, यह भी बिल्कुल सही है। और चौथा बोल रहा है इस नदी पर पवई जलप्रपात है, यह कथन क्या है? गलत है। जो पवई जलप्रपात है वो कन्हार की सहायक नदी है एक चनान, उस चनान नदी पर क्या है? पवई जलप्रपात है, ना कि कन्हार नदी पर। ठीक, जैसे कन्हार नदी के बारे में हम पढ़े, चर्चा करें कन्हार नदी के बारे में, तो एक है बखौना चोटी जसपुर के अंतर्गत, बखौना पहाड़ी या बखौना चोटी। इस बखौना पहाड़ी जसपुर से, ठीक है, कहां से? बखौना पहाड़ी जसपुर से एक नदी निकल रही है जिसका नाम क्या? कन्हार नदी। ठीक, और ये जो कन्हार नदी है सबसे पहले कहां प्रवाहित होगा? तो जसपुर में प्रवाहित होगा। जसपुर के उपरांत ये जो नदी है ये कहां पर आ रहा है? तो ये आ रहा है बलरामपुर में। ठीक, कहां पर आ रहा है? तो ये नदी आ रहा है बलरामपुर में। बलरामपुर के अंतर्गत जो कन्हार नदी है वो क्या करता है? एक तो कोठली जलप्रपात का निर्माण करता है। कोठली जलप्रपात का क्या कर रहा है यहां पर? ये निर्माण करता है। साथ ही जो आपका कन्हार नदी है इस पर या इसके किनारे बलरामपुर में डीपाडीह पुरातात्विक, डीपाडीह पुरातात्विक स्थल है, डीपाडीह पुरातात्विक स्थल है। समझ में आ रहा है बात? पहला क्या? कोठली जलप्रपात है। दूसरा क्या? डीपाडीह पुरातात्विक स्थल है। और साथ ही बलरामपुर में ही ये जो कन्हार नदी है ये कन्हार बेसिन का निर्माण करती है। ठीक, फिर कन्हार नदी जो है ये छत्तीसगढ़ एवं झारखंड के मध्य क्या करती है? प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। छत्तीसगढ़ एवं झारखंड के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्माण। ठीक, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड के मध्य क्या कर रही है? प्राकृतिक सीमा का निर्माण कर रही है। और प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हुए फिर ये नदी कहां चले जाती है? उत्तर प्रदेश चले जाती है। देखो, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड के मध्य क्या कर रहा है ये? तो प्राकृतिक सीमा का निर्माण कर रहा है, लेकिन झारखंड नहीं जाता है। दोनों राज्यों की सीमा से बहते हुए आगे जो कन्हार नदी है कहां चले जाता है? उत्तर प्रदेश चले जाता है। और उत्तर प्रदेश में जाकर क्या होता है? ये सोन नदी में मिल जाता है। सोन नदी में मिल जाता है। ठीक है, सोन नदी से क्या हो जाता है? इसका संगम हो जाता है। समझ में आ गया? क्लियर, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला बोल रहा है गोपद नदी किनके मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है? गोपद नदी जो है वो किनके मध्य प्राकृतिक सीमा, नेचुरल बाउंड्री क्रिएट करती है? तो जो गोपद है और गोपद की एक सहायक नदी है नेयूर, ये दो जो ये जो दोनों नदियां हैं ये क्या करती है? छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश के मध्य क्या करता है? ये प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है हमारा, सोन की सहायक नदियों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में जमाना है। ठीक, मतलब कहां से? तो यह आपका क्या हो जा रहा है? वेस्ट है और ये ईस्ट है ना। हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में अगर अपन आते हैं यहां पे, तो मध्य प्रदेश पहाड़ी के पूर्व से क्या हो रहा था? सोन नदी निकल रहा था। और जब सोन नदी इधर प्रवाहित हो रहा है छत्तीसगढ़ से, है ना, तो छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां थी? एक हमने सबसे पहले क्या देखा था? बनास। बनास के बाद फिर क्या देखा था हमने? गोपद। फिर क्या देखा था? रिहंद। फिर क्या देखा था? कन्हार। यही क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर सोन की सहायक नदियों का क्रम है। तो कहां क्या दिख रहा है आपको? ये आपका बनास हो गया, पहले में बनास दिख गया, यहीं से सही हो गया आपका। ठीक, बनास के बाद फिर क्या? गोपद। गोपद के बाद फिर क्या? रिहंद। और रिहंद के बाद क्या? फिर कन्हार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी, बनास, गोपद, रिहंद और कन्हार। अगर पूर्व से पश्चिम पूछ लेगा तब क्या बताएंगे आप? कन्हार से शुरू करेंगे और बनास पर क्या करेंगे? खत्म करेंगे। क्लियर है? ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ब्राह्मणी अपवाह तंत्र की प्रमुख, ये नहीं हो गया है, इसको नदी करना, प्रमुख नदी है। ब्राह्मणी अपवाह तंत्र की प्रमुख नदी है।
ब्राह्मणी अपवाह तंत्र की प्रमुख नदी है। कौन कौन सा? शंख, कोयल, कन्हार और गलफुल्ला। तो जो ब्राह्मणी अपवाह तंत्र है उसकी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण नदी है शंख नदी, जो कि कहां से निकलती है? जसपुर पाट से निकलती है। ठीक, साथ ये जो कोयल नदी है यह भी क्या है? ब्राह्मणी अपवाह तंत्र की प्रमुख नदी है, लेकिन कोयल नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो क्या दिखाता है? ओडिशा क्षेत्र में दिखाता है। समझ में आ रहा है? इसलिए अगर आपको दोनों ऑप्शन में मिले और सिर्फ एक चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे? शंख नदी चुनेंगे। ठीक, लेकिन अगर आपको, ये मैं उड़ीसा बोला क्या, झारखंड क्षेत्र में दिखाता है। ठीक है, कौन से क्षेत्र में दिखाता है? झारखंड क्षेत्र में दिखाता है, है ना? और दोनों ऑप्शन में रहेगा तब आपको क्या करना है? शंख नदी को क्या करना है? फर्स्ट प्रेफरेंस देना है। अगर एक से अधिक आपको आंसर चुनना रहेगा तब आप क्या करेंगे? शंख एवं कोयल दोनों को क्या करेंगे? प्रिफर करेंगे। लेकिन दोनों में से एक ऑप्शन चुनना रहेगा तब आप क्या चुनेंगे? शंख नदी चुनेंगे। क्लियर है? ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कन्हार की सहायक नदी नहीं है? पूछ रहा है आपको, निम्न में से कौन सा कन्हार की सहायक नदी नहीं है? चलिए आंसर दीजिए इसका। तो जो कन्हार नदी है आपकी, उसकी सहायक नदी क्या है? गलफुल्ला, सिंदूर, पेंगून और एक है आपका चनान। ठीक, ये सब क्या है? कन्हार की सहायक नदियां हैं। अब हमने पढ़ा था कि जो पवई है वो क्या है? ये एक जल प्रपात है। पवई क्या है? जल प्रपात है, जो कि किस नदी पर है? तो चनान नदी पर है। किस नदी पर है? चनान नदी पर है। तो पवई क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि कन्हार की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो ये पवई, क्योंकि पवई क्या है? पवई एक जल प्रपात है। कौन सी पहाड़ी नर्मदा अपवाह तंत्र से संबंधित है? क्या पूछ रहा है आपको? कौन सी जो पहाड़ी है वो नर्मदा अपवाह तंत्र से संबंधित है? प्रज्ञागिरी पहाड़ी, चिल्फी घाटी, कांदावानी पहाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमने पढ़ा था कि जो कांदावानी पहाड़ी है वो क्या है? नर्मदा अपवाह तंत्र से संबंधित है। ठीक, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। हमने पढ़ा था कि ये जो हमारा छत्तीसगढ़ है, है ना, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ये गौरेला, पिंडरा, मरवाही हो गया, मुंगेली, कंवरधा, खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई, राजनांदगांव, इसमें क्या? मैकल पर्वत, है ना? कौन सा पर्वत? मैकल पर्वत। अब इस मैकल पर्वत के अंतर्गत एक कौन सी पहाड़ी कंवरधा में? तो कांदावानी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? कांदावानी पहाड़ी। ठीक, इस कांदावानी की पहाड़ी से क्या हो रही है? दो नदियां निकल रही है, एक बंजर नदी और दूसरा ताड़ा नदी। बंजर नदी और ताड़ा नदी, है ना? अब एक पहाड़ी है जिसका नाम है अमरकंटक की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? अमरकंटक की पहाड़ी। कहां पर? तो मध्य प्रदेश में। इस अमरकंटक पहाड़ी के पश्चिम से, कहां से? पश्चिम से, वेस्ट से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या? नर्मदा नदी। ठीक, इस नदी का नाम क्या है? नर्मदा नदी। और ये जो नर्मदा नदी है ये जब प्रवाहित होते रहती है तब छत्तीसगढ़ के कांदावानी पहाड़ी से निकलने वाली बंजर और ताड़ा जो नदी है वो आकर मध्य प्रदेश में क्या हो जाती है? नर्मदा नदी से मिल जाती है। फिर जो नर्मदा नदी है आगे चलकर अरब सागर में, ठीक है, कहां पर? अरेबियन सी या अरब सागर में आकर क्या हो जाती है? विसर्जित हो जाती है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में किस अपवाह तंत्र का निर्माण होता है? नर्मदा अपवाह तंत्र का निर्माण होता है। और नर्मदा अपवाह तंत्र क्या है आपका? तो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। नर्मदा अपवाह तंत्र क्या है? छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है, जो कि छत्तीसगढ़ का कितना क्षेत्रफल और कितने प्रतिशत है, जल्दी बताइए। छत्तीसगढ़ का कितना क्षेत्रफल और कितना प्रतिशत इसमें आता है, आप जल्दी बताइए। ठीक, आंसर लगा लिया आपने क्या, कि कौन सी जो पहाड़ी है वो नर्मदा अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है? तो कांदावानी की जो पहाड़ी है वो किसके अंतर्गत आती है? नर्मदा अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है।
ठीक, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के नदियों के संबंध में कथनों पर क्या करना है, आपको विचार करना है। छत्तीसगढ़ की जो नदियां हैं उनके संबंध में कथनों पर आपको विचार करना है। पहला क्या बोल रहा है, हसदेव नदी दक्षिण की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। दूसरा बोल रहा है, रिहंद उत्तर की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तीसरा बोल रहा है, इंद्रावती नदी पूर्व की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, और महानदी छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। इनमें क्या बोल रहा है आपको, एक और दो सत्य है, दो तीन सत्य है, तीन और चार सत्य है, कि सभी सत्य है। तो एक चीज देख लेते हैं हम पहले, कि जो ये हमारा छत्तीसगढ़ है, क्या है हमारा ये जो छत्तीसगढ़ है, इस छत्तीसगढ़ के अंतर्गत एक नदी है जो उत्तर की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, एक दक्षिण की ओर, एक पूर्व की ओर, एक पश्चिम की ओर। तो उत्तर की ओर बहने वाली जो सबसे लंबी नदी है वो क्या है, रिहंद नदी है। उत्तर की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी क्या, रिहंद नदी। ठीक, उत्तर दिशा में बहने वाली नहीं, उत्तर मतलब कहीं से भी निकले और कहां पर जाए वो उत्तर की ओर जाए, ना कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में। इससे मतलब नहीं है कि वो छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में बह रहा है, कि दक्षिणी हिस्से में बह रहा है, कि पूर्व में बह रहा है, पश्चिम में बह रहा है, कहीं पर भी बहे लेकिन उसके प्रवाह की दिशा क्या होनी चाहिए, उत्तर होनी चाहिए, पूर्व होनी चाहिए, पश्चिम होनी चाहिए या दक्षिण होनी चाहिए। ऐसी नदी जिसके प्रवाह की दिशा क्या हो, उत्तर की ओर बहे और सबसे ज्यादा लंबी हो, तो वो क्या हो जाएगी, उत्तर से बहने वाली या उत्तर की ओर बहने वाली क्या हो जाएगी, सबसे लंबी नदी हो जाएगी। चाहे वो बस्तर संभाग में बह रही हो, है ना, सुकमा से निकलकर कहां तक आ रही हो, कांकेर तक आ रही हो, वो क्या हो जाएगी, उत्तर की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी हो जाएगी। और कोई नदी हो जो उत्तर में बह रही हो और क्या हो रही हो, दक्षिण दिशा की ओर क्या है, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में क्या हो रही हो, बह रही हो, और उसका प्रवाह क्या है, दक्षिण दिशा की ओर है, तो आप उसको क्या बोलेंगे, दक्षिण की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी। जैसे कि ये जो रिहंद देख रहे हैं आप, रिहंद की लंबाई कितनी है, 145 किलोमीटर, और रिहंद नदी जो है ये छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में भी बह रही है और छत्तीसगढ़ के उत्तर में बहने वाली सबसे लंबी नदी भी है। ठीक, दूसरा, दक्षिण की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी, तो ये है हसदो नदी। कौन सी नदी, हसदो नदी, जिसकी लंबाई कितनी है, 176 किलोमीटर। दक्षिण की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी, तो हसदो नदी, 176 किलोमीटर। जल्दी से आप मुझे हसदो नदी का प्रवाह क्षेत्र बताइए, हसदो नदी पढ़ा है हमने पूरा, आप जल्दी से बताइए कि हसदो नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या है। अगला है पूर्व की ओर बहने वाली नदी, तो पूर्व में आप दो नदी याद रखना, एक महानदी और दूसरा शिवनाथ नदी, महानदी और शिवनाथ नदी। महानदी टोटल कितना, तो 851, लेकिन छत्तीसगढ़ में कितना, तो 286, और शिवनाथ नदी कितना, तो 290। इसके अलावा पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी नदी है इंद्रावती, इंद्रावती 264 किलोमीटर। तो उत्तर में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी, रिहंद, कितने किलोमीटर, 145 किलोमीटर। दक्षिण में बहने वाली सबसे लंबी नदी क्या, हसदो। इसके अलावा क्या देख रहे हैं, कि पूर्व में बहने वाली सबसे लंबी नदी क्या, महानदी, और साथ में शिवनाथ नदी। महानदी टोटल कितना, 851, लेकिन छत्तीसगढ़ में कितना बह रही है, 286। शिवनाथ कितना, तो 290 किलोमीटर। पश्चिम में कौन, तो इंद्रावती, कितना, 264 किलोमीटर। दक्षिण में क्या, हसदेव नदी। जल्दी से आप इंद्रावती नदी का भी प्रवाह क्षेत्र बताइएगा तो मुझे, कि इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में कहां से प्रवेश कर रहा है और कहां से प्रवेश करने के उपरांत किस जिले में जा रहा है और किस जिले में जाकर वो गोदावरी नदी से मिल जा रहा है, आप जल्दी बताइए मुझे। साथ ही इंद्रावती के तट पर बसे प्रमुख स्थलों के भी नाम बताइए आप मुझे कमेंट बॉक्स पे। इसके अलावा इंद्रावती पर कौन कौन सी जो परियोजना है ये भी आप कमेंट बॉक्स पर बताएंगे जल्दी। अब हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ के नदियों के संबंध में कथनों पर विचार करना है। पहला कथन क्या बोल रहा है, हसदेव नदी दक्षिण की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। बिल्कुल सही है, ठीक है, दक्षिण की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। कितनी है,
तो 176 किलोमीटर लंबी है। दूसरा क्या बोल रहे हैं, रिहंद उत्तर की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, यह भी सही है, 145 किलोमीटर उत्तर की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। साथ ही सोनगंगा अपवाह तंत्र की छत्तीसगढ़ से क्या है, सबसे बड़ी नदी है। तीसरा क्या बोल रहा है, इंद्रावती नदी पूर्व की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अभी हमने देखा क्या पूर्व की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, बिल्कुल नहीं, जो इंद्रावती नदी है ये पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। किस ओर, तो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। चौथा क्या बोल रहा है, महानदी छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है क्या, नहीं है, महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नहीं सबसे बड़ी नदी है। क्या है, सबसे बड़ी नदी है जिसकी जल धारण क्षमता क्या है, सबसे अधिक है। लेकिन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ये कितने किलोमीटर बहती है, 286 किलोमीटर बहती है। वहीं जो शिवनाथ है वो कितने किलोमीटर बहता है, तो ये 290 किलोमीटर बहता है। तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी बोलेगा तो कौन सी नदी होगा, शिवनाथ नदी। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी बोलेगा तब कौन सी नदी होगा, तब होगा महानदी। तो कौन कौन से आपके जो कथन है वो गलत हो जा रहे हैं, तीसरा और चौथा, ये क्वेश्चन क्या हो जा रहे हैं आपके, गलत हैं। तो एक और दो क्या है, सत्य है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, 13वें का आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला बोल रहा है, महानदी पर निर्मित लक्ष्मण झूला के संबंध में कथनों पर विचार करें। क्या बोल रहा है, महानदी पर निर्मित लक्ष्मण झूला के संबंध में कथनों पर विचार करने बोला जा रहा है आपको। क्या बोल रहा है, यह ब्रिज राजीव लोचन मंदिर को कुलेश्वर महादेव मंदिर से जोड़ता है। क्या बोल रहा है, पहला यह जो मंदिर है, सॉरी यह जो ब्रिज है, यह क्या कर रहा है, राजीव लोचन मंदिर को कुलेश्वर महादेव मंदिर से जोड़ रहा है। दूसरा बोल रहा है, इस ब्रिज की लंबाई 610 मीटर है। ठीक, दूसरा क्या बोल रहा है, ये जो ब्रिज है इसकी लंबाई 610 मीटर है। क्या बोल रहा है, केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य है, कि दोनों सत्य हैं, कि दोनों असत्य हैं, जल्दी दीजिए आंसर। पहला तो आपको पता चल ही गया होगा, जो भी राजिम गया होगा वो देखा ही होगा कि राजीव लोचन मंदिर से कहां तक जा रहा है, ये कुलेश्वर महादेव मंदिर और लोमश ऋषि के आश्रम तक ये जो ब्रिज है क्या है, बना हुआ है। तो पहला कथन क्या हो जा रहा है आपका, सही हो जा रहा है कि जो महानदी पर सस्पेंशन ब्रिज लक्ष्मण झूला बनाया गया है वो किसको, तो राजीव लोचन मंदिर को कुलेश्वर महादेव मंदिर से क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। क्लियर है यहां तक। और दूसरा जो कथन है आपका, इस ब्रिज की लंबाई कितनी है, 610 मीटर है, यह कथन भी क्या है, बिल्कुल सही है। और यह क्या है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज है, सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज है। कौन सा आपका, जो महानदी पर सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है। पहला कौन सा है, तो हमको पता है कहां पर, खारून नदी पे, कहां, रायपुर में। जो खारून नदी पे रायपुर में सस्पेंशन ब्रिज या लक्ष्मण झूला बनाया गया वो आपको पता है किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था, तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा क्या किया गया था, उसका उद्घाटन किया गया था। और ये जो महानदी पर लक्ष्मण झूला बनाया गया है राजिम में, इसका उद्घाटन भी आपको पता है कि हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री कौन, माननीय हमारे काका कौन, तो माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा क्या किया गया है, इस मंदिर का, फिर मंदिर बोल रहा हूं, मंदिर का नहीं, किसका, तो सस्पेंशन ब्रिज का क्या किया गया है, उद्घाटन या लोकार्पण किया गया। कब किया गया, तो 1 मार्च 2022 को किया गया। जल्दी से बताइए कि ये जो राजिम है, यहाँ पर ये जो तीन नदियां मिल रही है, महानदी, पैरी और सोंडूर, इस पर क्या है, कुलेश्वर महादेव का मंदिर है ना। और कुलेश्वर महादेव के मंदिर में कब मेला लगता है, साथ ही छत्तीसगढ़ शासन ने अभी इसको किस मेले का दर्जा दिया है, पहले तो अर्धकुंभ का दर्जा दिया गया था, अभी क्या कहा जा रहा है इसको, ये भी बताना है आपको। क्लियर, जल्दी बताइए। तो दोनों कथन आपका क्लियर हो गया, यह ब्रिज क्या कर रहा है, राजीव लोचन मंदिर को कुलेश्वर मंदिर से जोड़ रहा है, सही है। और दूसरा, इस ब्रिज की लंबाई कितनी है, 610 मीटर है। दोनों कथन क्या है आपके, सत्य है, आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक, इस तरह क्या होता है आपका, संपूर्ण जो छत्तीसगढ़ का क्या है, अपवाह तंत्र है वो खत्म होता है। आगे
इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ की जो नेचुरल जियोग्राफी है वो भी क्या हो रही है, आपकी समाप्त हो रही है। छत्तीसगढ़ का जो जियोग्राफी है उसका एक पार्ट जो इकोनॉमिकल जियोग्राफी है, जो सर्वे वाला पोर्शन है, उसको हम लोग लास्ट में करेंगे। कब? जब आपके सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा आपके सर पर होगा, तब जस्ट उससे पहले हम क्या करेंगे, सारे डाटा वाले क्वेश्चन एक साथ करेंगे। अभी इस वीडियो के बाद जो हमारा अगला टॉपिक शुरू होगा वो होगा छत्तीसगढ़ के इतिहास से। ठीक है, क्या शुरू करेंगे हम? छत्तीसगढ़ का इतिहास। जैसा कि आपको पता है कि सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की जो नेचुरल जियोग्राफी है, छत्तीसगढ़ का इतिहास है, और छत्तीसगढ़ का आर्ट एंड कल्चर वाला जो पोर्शन है क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। लगभग लगभग आप मान के चले कि इन्हीं तीनों पोर्शन से ही आपका लगभग 80-85% हिस्सा क्या हो जाता है, छत्तीसगढ़ का कवर हो जाता है। तो इस पर क्या करेंगे हम, पहले विस्तृत अध्ययन करेंगे, डिटेल से क्या करेंगे, पूरे छत्तीसगढ़ के इतिहास को पढ़ेंगे, फिर आर्ट एंड कल्चर को पढ़ेंगे, और अंततः फिर क्या करेंगे हम, छत्तीसगढ़ का जो सर्वे वाला पोर्शन है उस पर चर्चा करेंगे। तो हमारा अगला वीडियो किस में आएगा? छत्तीसगढ़ के इतिहास में आएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, हमारे कंटेंट अच्छे लग रहे हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो आपको, आपको लग रहा है कि हाँ हमारी तैयारी हो रही है, तो क्या करना है आपको, वीडियो में लाइक और कमेंट करना है। अगर आपको कुछ सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं तो भी क्या कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगेगा तो आपको क्या करना है, हमारा उत्साहवर्धन करना है। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।